नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है प्राचीन भारत के इतिहास का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका 34th लेक्चर हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 33 लेक्चर जो आपको पढ़ा दिए हैं वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरी प्राचीन भारत के इतिहास की जो है ये एमसीक्यू सीरीज चैप्टर वाइज चलाई जा रही है और आपको पूरी डिटेल बताई जा रही है। हर क्वेश्चन पे उसके रिलेटेड जो पूरी डिटेल आपको देनी चाहिए वो सब बताई जा रही है, जिससे कि आपको प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही मजबूत हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर पिछले लेक्चर आपने देखे होंगे, तो हमारे प्राचीन भारत के अंदर की जो मुख्य संस्कृति है, जो मुख्य स्थल हैं, मुख्य मंदिर हैं, जो तो बेसिकली कहा जाए, इस चैप्टर का जो नाम है वो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, बंगाल, उड़ीसा, केरल और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जो जगन्नाथ मंदिर है ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा में किस जिले में है? पुरी जिले में। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये बहुत ही फेमस है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में है। और आपको ये बता देना चाहता हूं मैं, अगर पिछले लेक्चर में आपको बताया होगा, इसी राज्य में जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लिंगराज का मंदिर, ये पूछा गया था आपसे। और सूर्य मंदिर भी पुरी में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये पूछा जाता है कि मतलब ये सब मंदिर जो है किस शैली में है, तो नागर शैली में है। कौन सी शैली में? नागर शैली में है, क्योंकि देखिए यूपीपीसी 1997 में ये पूछा हुआ था। देखिए इस तरीके से, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये नागर शैली में निर्मित है, ठीक है, नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है ये वर्तमान कंबोडिया में स्थित है। तो ये पूछा जाता है किस शैली में ये मंदिर का निर्माण हुआ था? दी द्रविड़ शैली में, ठीक है, द्रविड़ शैली में। और यह मंदिर जो है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। तो कंबोडिया का जो नाम पहले था आपको मालूम होना चाहिए, कंपूचिया था। क्या? कंपूचिया। कभी कभी ऑप्शन में इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे ये देखिए आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ था 2011 में इस तरीके से, कि अंकोर वाट मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कंपूचिया, ठीक है, कंपूचिया या कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो जावा में। दोस्तों कहाँ पे? जावा में, इंडोनेशिया के जावा में स्थित है बोरोबुदुर स्तूप। इंडोनेशिया के जावा द्वीप जो है वहां पे स्थित है बोरोबुदुर स्तूप, याद रखिएगा। यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को के द्वारा घोषित एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? तो याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर है अंकोर वाट। तो याद रखिए, कंबोडिया के नगर अंगकोर में विष्णु को समर्पित यह अंकोर वाट का मंदिर जो है, इसका निर्माण 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के बीच में हुआ, और यही सेम टाइम पीरियड जो है सूर्यवर्मन द्वितीय का भी है, और अंकोर वाट मंदिर भी जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? तो इसका मतलब है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का निर्माण किसके द्वारा बनवाया गया? तो दोस्तों, पल्लवों के द्वारा बनवाया गया। जो महाबलीपुरम का मंदिर है ये चट्टानों को काटकर बनाया गया है, जो पल्लव वंश के राजा थे उनके द्वारा जो है बनवाया गया। तो याद रखिए, महाबलीपुरम जो है यहाँ पे तीन मंदिर प्राप्त होते हैं, एक तो है शोर मंदिर जिसे तटीय शिव मंदिर कहा जाता है, एक ईश्वर मंदिर और तीसरा जो है मुकुंद मंदिर। ये तीन मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं, और ये जो मंदिर है ये राजसिंह शैली, कौन सी, याद रखना आपको, राजसिंह शैली में निर्मित है, जिसका प्रारंभ जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और जो शोर मंदिर, पहला वाला मंदिर हमने आपको बताया ना, ये राजसिंह शैली का जो है प्रथम उदाहरण है। देखिए, महाबलीपुरम के बारे में ये भी पूछा जाता है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था, पल्लवों ने करवाया था। मतलब आप मंदिर को देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि वो जो है आगे रथ चलता हुआ है, ठीक है, ऐसे लगेगा आपको कि वो मंदिर जो है रथ के पिछले हिस्से में बना हुआ है, उसका आगे वाला पार्ट ऐसे लगेगा आपको कि रथ है, एक रथ का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन के द्वारा, ठीक है, नरसिंह वर्मन के द्वारा, जो पल्लव शासक थे, ये नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे,
इनका जो टाइम पीरियड आपको बता दें, जो शासन का टाइम पीरियड 630 से 668 था, तो इन्हीं के टाइम पे जो है मामल मामल शैली का जो है विकास हुआ। तो इसके अंतर्गत जो है दो प्रकार के स्मारक बने थे इनके टाइम पीरियड में, एक तो था मंडप और दूसरा था एकाशमक मंदिर, जिन्हें आप रथ मंदिर भी कहते हैं, जो जिसके हम बात कर रहे हैं। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम ऐसा कहा जाता है, ये जगह का नाम है। तो ये जो सारे मंदिर हैं, ये महाबलीपुरम बोला जाए या मामल्लपुरम बोला जाए, वहीं पे स्थित हैं, ठीक है। और शैली कौन सी है? मामल्ल शैली। तो अगर क्वेश्चन आए ये वाला, सप्तरथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया। और इन रथों को जो है आप एक और नाम से जानते हैं, सप्त पगोड़ा, ठीक है, सप्त पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यूपीपीसीएस 2007 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था, महाबलीपुरम ना देकर मामल्लपुरम दिया हुआ था। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो पल्लव, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसी से 2011 पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ मंदिर जो है वो सबसे छोटा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये पल्लव कालीन के सारे मंदिर थे, और कौन सी शैली में है ये याद रखना आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ, मामल्ल शैली में ये बने सारे रथ हैं। तो एक जो रथ का एक पूरा भाग लगता है ये सभी मंदिर, तो इन सभी मंदिरों में जो है द्रौपदी जो रथ मंदिर है ये सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, 94, 96, 2010, फिर 2008 में ये सब पूछा गया है। निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? तो देखिए आपको ये बताना है, एलोरा की गुफाएं, शक नहीं, ये गलत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एलोरा की जो गुफाएं हैं ये औरंगाबाद में है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है ये, और ये गुफा मंदिरों के रूप में बहुत फेमस है। 34 शैलीकृत गुफाएं हैं यहाँ पे, और ये सभी जो गुफाएं हैं ये अलग अलग काल में बनी है। तो शक जो वंश था इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट मीनाक्षी मंदिर, तो ये पांडियों द्वारा बनाई गई थी, ये भी गलत है। जबकि आपको बता दें, पल्लवों द्वारा जो है महाबलीपुरम के मंदिर बनवाए गए थे। खजुराहो मंदिर चंदेल वंश, ये बिल्कुल सही है। और महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट के द्वारा नहीं, महाबलीपुरम के मंदिर जो है वो पल्लवों के द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था ये। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो तक्षशिला की स्थापना है वो 7वीं और 6ठी शताब्दी के बीच में मानी जाती है, और तक्षशिला जो है उसमें हिंदूज राज्य की राजधानी थी, इंडस नाम आप देखेंगे इसी से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? इसका आंसर है दतिया, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो दतिया से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है, और सोनगिरी के चारों जो है सफेद जैन मंदिर स्थापित है। वर्तमान में यहाँ जो है 77 जो मंदिर जैन मंदिर हैं वो पहाड़ियों पर स्थित हैं, और 26 जो जैन मंदिर है वो गाँव में स्थित है। तो इस प्रकार की कुल संख्या आप देखेंगे 103 हो जाती है। इस 77 जैन मंदिर में जो है जो 57वां जैन मंदिर है बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। देखिए यूपीपीसीएस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर दोस्तों ये माउंट आबू में है। कहाँ पे है? माउंट आबू में, राजस्थान सिरोही में, ठीक है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू, जो माउंट आबू कहाँ स्थित है आपको मालूम होना चाहिए, राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर कहाँ? सिरोही। और ये इसे बनवाया किसने था? तो चालुक्य शासक जो भीमदेव थे, याद रखिए भीमदेव के जो सामंत थे उनका नाम था विमल शाह। क्या नाम था? विमल शाह। तो उन्होंने बनवाया था कब? 1022 ईस्वी से लेकर 1064 ईस्वी के बीच में बनाइए। और देखिए एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, तो इसका आंसर आपको मालूम होगा, दिलवाड़ा जैन मंदिर ये माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है दोस्तों। तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है, और कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु शहर से 350 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर से 350 किलोमीटर की दूरी पर हम्पी स्थान पर स्थित है। तो यह मंदिर भगवान शिव के नाम पर अर्पित है, जो शिव भगवान थे यहाँ पर विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको जो है दक्षिण भारत के जो मुख्य वंश है उनके बारे में बताएंगे, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा।
कि उसमें जितने भी दक्षिण भारत के जो राज्य थे, जितने भी वंश थे, चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, बाकी सब जो मुख्य वंश आएंगे उनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो सीरीज आप देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्क्रीन पर जो चार वीडियो आपके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।